naj tak bym atę k k k hm 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 सभी को राम राम नमस्ते सभी का मोस्ट वेलकम हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने के टी डी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर जल्दी से सारे के सारे फटाफट से लाइव जुड़ जाएंगे और जैसा आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर हम देख रहे थे चाइल्ड डेवलपमेंट के पार्ट टू को और चाइल्ड डेवलपमेंट के पार्ट टू के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे अलग अलग मेन इंपॉर्टेंट आठ थ्यूरीज को हमें डिस्कस करना है और आठ मेन इंपॉर्टेंट थ्यूरीज में आज सबसे पहली थ्यूरी को डिस्कस करेंगे संज्ञान विकास सिद्धांत जीन प्याजे के बारे में इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चाहे आप टीचिंग लाइन का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं एस टेट का एग्जाम दें दे, आप चंडीगढ़ पीआरटी का एग्जाम दें आप पी टेट का एग्जाम दें आप हिमाचल टेट दें कोई भी रीट दें यानी टीचिंग लाइन से जुड़ा कोई भी दुनिया का पूरे भारत वर्ष का एग्जाम आप देते हैं तो जीन प्याजे से ऐसा कभी कभार हुआ होगा कि सवाल नहीं आया हो और किसी भी लेवल का दें पी आर टी टीजी टी पीजीटी लेक्चरर कोई भी लेवल का हम एग्जाम देते हैं तो जीन प्याजे से अक्सर सवाल पूछा ही जाता है की वाले की तो, 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 तो चलिएगा तो दो दो तीन तीन सवाल उठते हैं और इन सब से जो ये आठ थ्यूरीज हैं इनसे ढेरों सवाल आपके छपने वाले हैं तो शुरू करते हैं जीन प्याजे के बारे में चलिए जीन प्याजे के बारे में चीजों को समझते हैं जीन प्याजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे तो यह भी लिख देता हूं मैं ये स्विस स्विस भी बोल देते हैं स्विस या स्विट्जरलैंड ये स्विस के मनोवैज्ञानिक थे इन्होंने यह जानने के लिए यह जानने के लिए कि बालक का कि बालक का बौद्धिक विकास कैसे होता है बालक का बौद्धिक विकास कैसे होता है अपने ही बच्चों को अपने ही तीन बच्चों को तीन बच्चे थे इसके अपने ही तीन बच्चों को तीन बच्चों को खोज का विषय बनाया खोज का विषय बनाया Uh, यानी मेन इनका काम क्या था मेन काम था बुद्धि के ऊपर चेक करना यानी इंटेलिजेंस बच्चे के चेक करना बौद्धिक विकास को चेक करना और बौद्धिक विकास सीधा सीधा संज्ञानात्मक विकास से कनेक्टेड है दूसरे शब्दों में कहूं कोग्नेटिव डेवलपमेंट से आपका इंटेलिजेंस डेवलपमेंट कनेक्ट है तो बालकों का विकास किस प्रकार से होता है अपने ही तीन बच्चों को इस बारे में खोज का इन्होंने विषय बनाया और आगे बात करें खोज का विषय बनाया तथा उन पर तथा अपने बच्चों पर अपने बच्चों पर लगातार कई वर्षों तक कई वर्षों तक अध्ययन करते रहे कई वर्षों तक और लगातार तो तथा अपने बच्चों पर लगातार कई वर्षों तक अध्ययन करते रहे वर्षों तक अध्ययन करते रहे इस अध्ययन से इन्होंने पाया इस अध्ययन से इस अध्ययन से इन्होंने पाया कि पाया कि बालक स्वयं ज्ञान के निर्माता होते हैं इन्होंने पाया कि बालक स्वयं ज्ञान के निर्माता होते हैं स्वयं ज्ञान के निर्माता होते हैं बालक स्वयं ज्ञान के निर्माता होते हैं अथवा अथवा इन्होंने छोटे बालकों को लिटल साइंटिस्ट नन्हे वैज्ञानिक अथवा इन्होंने इन्होंने छोटे बालकों को छोटे बालकों को नन्हे वैज्ञानिक लिटल साइंटिस्ट नन्हे वैज्ञानिक या इसको इंग्लिश में लिटिल साइंटिस्ट कह सकते हैं नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा दी और माना की और माना की छोटे बच्चे छोटे बच्चे अपनी बुद्धि के द्वारा अपनी बौद्धिक क्षमता से छोटे बच्चे अपनी बौद्धिक क्षमता से बौद्धिक क्षमता से संसार की परिकल्पना श्रम करते हैं छोटे बच्चे अपनी बौद्धिक क्षमता से की संसार की परिकल्पना संसार की परिकल्पना स्वयं करते हैं स्वयं करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी यहाँ से निकल कर आ रही हैं आप ये भी अवश्य ध्यान रखेंगे यानी जो जीन प्याजे थे स्विस के मनोवैज्ञानिक थे सभी भावी अध्यापकों को बताना चाहूंगा और इन्होंने बौद्धिक विकास के बारे में जानने की कोशिश की संज्ञानात्मक विकास अथवा कोग्नेटिव डेवलपमेंट के बारे में जानने की कोशिश की और जन्म से ही अपने बच्चों के ऊपर स्टडी करना स्टार्ट कर दी और लगातार पंद्रह सोलह सालों तक अपने बच्चों के ऊपर लिए स्टडी करते रहे और स्टडी में इन्होंने पाया जब ये लगातार स्टडी कर रहे थे तो इन्होंने पाया जो बालक होते हैं वो स्वयं ज्ञान के निर्माता होते हैं वो खुद बालक क्रिएटिव होते हैं इन्होंने बालक को क्रिएटिव माना कि बालक स्वयं अपनी बुद्धि के द्वारा ज्ञान का निर्माण करेंगे अथवा उन्हें अपने परिवेश में समायोजन करने के लिए इन्होंने माना कि बालक अपने परिवेश में समायोजन करने के लिए चीजों को उल्टे पलटे रहेंगे चीजों की खोज करते रहेंगे इन्होंने यानी कि खोज निर्माता भी कहा बालक को ज्ञान निर्माता ज्ञान का निर्माता या खोज का निर्माता माना और इन्होंने माना कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं लिटिल साइंटिस्ट की संज्ञा दे दी क्योंकि वो अपने आप खोज करते रहते हैं क्योंकि इन्होंने माना कि छोटे बच्चे अपनी बौद्धिक क्षमता से संसार की परिकल्पना हैं। तो इतनी बात आप अवश्य ध्यान रखेंगे और इनके संज्ञानात्मक विकास को समझने से पहले इनके डेवलपमेंट तक उठेगा, जीन ने अपने में किस का यूज नहीं किया हिंदी में संपर्क बोलेंगे किस संपर् का यूज नहीं किया वहां पर चार ऑप्शन आएंगे और चार में से क्या होगा तीन ऑप्शन इसके देगा एक ऑप्शन किसी दूसरे साइको जिस्ट के उठा करके दे देगा जेरोम ब्रूनर का उठा के दे देगा दे इसके ढेरों संपर्ते थे जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूँ इसने अपनी थ्योरीज के अंदर कौन-कौन से कांसेप्ट या संपर्ते का यूज किया तो साआत्मिकरण का, का यूज किया जिसे इंग्लिश में एसिमिलेशन कहते हैं और आत्मिकरण का यूज किया जिसे एकमोडेशन कहते हैं इसने जीववाद वर्ड का यूज किया जिसे एनीमिज्म कहते हैं इसने केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण का यूज किया अपने कांसेप्ट में जिसे सेंट्रेशन डीसेंट्रेशन बोलते हैं इन्होंने साम्य धारण वर्ड यूज किया जिसे इक्विलिब्रेशन बोलते हैं यानी इन ये होते क्या हैं तो इस वीडियो के अंदर आगे इन कंसेप्ट को जानना होगा क्योंकि एक क्वेश्चन तो सीधा सीधा ही बनेगा कौन सा कंसेप्ट इन्होंने यूज नहीं किया ठीक है जी और यहाँ पे दूसरा आपका ये बनेगा कि कौन सा कंसेप्ट इन्होंने यूज किया है यूज किया है पूछे एक इसमें से तीन बार से कौन सा यूज नहीं किया फिर तीन इनमें से एक बार से और अगला क्वेश्चन ये बनेगा आत्मीकरण से जीन प्याजे द्वारा बताए हुए आत्मीकर्ण से आप क्या समझते हैं इनमें से आत्मीकरण के बारे में

यहां पे देखेगा प्याजे के यहां पे एक बार जीन प्याजे द्वारा मतलब संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत या ऐसे लिख लेते हैं या जे है प्याजे द्वारा प्रयोग की संपर्त्य प्रयोग प्याजे द्वारा योग किए गए संपर्क या संज्ञात्मक विकास सिद्धांत भी सीधा ये लिख रहा हूं द्वारा सीधा नाम लिख रहा हूं संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास लिख देते हैं इसको इन्होंने दो भागों में बांटा कौन कौन सा सर एक तो संगठन क्या नाम दिया जी संगठन और दूसरा नाम दिया अनुकूलन क्या नाम दिया जी अनुकूलन ऑर्गेनाइजेशन और एडेप्टेशन, दो तरीकों से बांटा ऑर्गेनाइजेशन और एडेप्टेशन ठीक है जी कितना टाइम हो गया जी अभी अभी शुरू हुई है ज्यादा टाइम नहीं हुआ बस कंटिन्यू बने रहे एक संगठन बताया दूसरा अनुकूलन बताया यानी कि ऑर्गेनाइजेशन और एडेप्टेशन जो एडेप्टेशन होता है इसको आगे इन्होंने दो भागों में बांट दिया एडेप्टेशन को आगे दो भागों में बांट दिया ये दो भाग क्या बताए सर इन्होंने एक तो बताया सातवीकरण सात्मीकरण और दूसरा बताया आत्मीकरण आत्मीकरण सर इनके अन्य नाम भी हैं बिल्कुल ढेरों नाम आपको देखने को मिलेंगे यानी एक तो बता दिया इन्होंने आत्म इसी को आत्म भी कहते हैं आत्म सातकर्ण और इसका दूसरा नाम क्या होगा आत्मीकरण को ही समायोजन भी बोलते हैं समायोजन सर इंग्लिश में इंग्लिश में एक एक नाम ही रहने वाले हैं देखिएगा यदि मैं बात करूं ये हमारा हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गे नाइजेशन ये हो गया हमारा एडेप्टेशन ये हो जाएगा हमारा एसीमुलेशन ये हो जाएगा हमारा एकमोडेशन ठीक है जी ये ध्यान रखेंगे देखेगा सबसे पहले बात करेंगे यानी जीन प्याजे के सिद्धांत में याद रखेगा दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सबसे ऊपर निकल के आए हैं एक संगठन और एक अनुकूलन यानी इन्होंने संज्ञानात्मक विकास कोग्नेटिव डेवलपमेंट कोग्नेटिव डेवलपमेंट लिख देता हूं मैं ऊपर ठीक है जी तो जो कोग्नेटिव डेवलपमेंट है इसको दो पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया एक ऑर्गेनाइजेशन की बात की एक अनुकूलन की बात की संगठन क्या होता है तो प्याजे के अनुसार यदि हम बात करें यानी बच्चे के पास कुछ कंसेप्ट होते हैं बच्चे के पास कुछ कंसेप्ट होते हैं उन कंसेप्टों को ए, एक संग्रह उन कंसेप्ट को आज संग्रह ही क्या कहलाया एक संगठन कहलाया यानी मेन ये ध्यान रखना है प्याजे के अनुसार इनमें से कौन सा कंसेप्ट यूज नहीं किया ऐसा सवाल आएगा तो उसमें संगठन भी मिलेगा अनुकूलन भी मिलेगा आत्मीकरण मिलेगा एक कोई नया नाम दे देगा उठा के वो उत्तर हो जाएगा जो नया नाम देगा ये चारों कंसेप्ट तो इसने यूज संगठन भी अनुकूलन भी अनुकूलन को ही दो प्रोसेस के रूप में बताया है तो संगठन आपको पता चल गया सर अनुकूलन क्या होता है आत्मीकरण क्या होता है सातवीकरण सर इनसे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं सर एडेप्टेशन से एक्मोडेशन से, से सर ऑर्गेनाइजेशन से तो बस थोड़ा सा हाँ जी बिल्कुल लिख दिया है इंग्लिश में भी हां जी साथ के साथ इंग्लिश में सब कुछ लिख रखा है ठीक है जी तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मैं ये कहूंगा बल्कि हिंदी मीडियम वाले जो भावी अध्यापक हैं उनको प्याजे की थ्यूरी में इंग्लिश में ही ज्यादा ध्यान में रखना होगा हिंदी की बजाय इंग्लिश में ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि हिंदी में इसका नाम कई बार बड़ा अजीब निकाल के लाएगा आत्म सातवीकरण लिख देगा आत्म सातकरण कई बार हिंदी में गलती आएगी हिंदी में मिस्टेक आई तो वैलिड नहीं मानी जाएगी इंग्लिश में मिस्टेक नहीं है इंग्लिश में जब तक सही है तब तक हिंदी में मिस्टेक कर सकता है और बहुत बार इसके हिंदी में नाम मिस्टेक आएंगे

सम आप देख पा रहे हैं सबसे पहला देख पा रहे हैं अनुकूलन एडेप्टेशन तो देखिएगा एडेप्टेशन क्या होता है व्यक्ति के द्वारा अपने आसपास के परिवेश या वातावरण के साथ तालमेल स्थापित करना ही अनुकूलन कहलाता है एडेप्टेशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय ए पर्सन विद हिज सराउंडिंग्स और एनवायरमेंट यानी अपने एनवायरमेंट के साथ कनेक्शन बैठाना अपने एनवायरमेंट के साथ तालमेल बैठाना क्या कहलाएगा जी अनुकूलन कहलाएगा इतनी बात आप ध्यान रखेंगे अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात एक ये भी आएगी यहाँ पर देखेगा मैं बात करूं बिल्कुल तीनों को मैं लास्ट में दो मिनट में तीनों के कंसेप्ट को चुटकियों में समझा दूंगा एक बार कहानी को समझिए आखिर कहानी क्या है अगला पॉइंट प्याजे के अनुसार वातावरण के साथ समंज से स्थापित करने की जन्म जात प्रवृत्ति को अनुकूलन कहते हैं इंपोर्टेंट वर्ड आया है और बच्चे बहुत बाहरी गलती करेंगे देखिएगा जन्मजात जात प्रवृत्ति इनेट टेंडेंसी

एक इंपॉर्टेंट सवाल बन गया प्याजे के अनुसार एडेप्टेशन क्या है ऑप्शन देगा यह एक जन्मजात प्रवृत्ति है इनेट टेंडेंसी दिस इज इनेट टेंडेंसी अगला मिलेगा यह वातावरणीय है ए दे दिया अनुवांशिक है जन्मजात बी दे दिया अर्जित की जाती है वातावरण सी दे देगा ए वी दोनों और बच्चे बड़े लालची होते हैं एल्पन ली भी खाए जीप लप लपल ए वी दोनों जहां विद्यार्थियों को देख जाता है उस टूट पड़ते हैं और सीधा सीधा ए बी ऑप्शन टिक कर देंगे तो तुरंत फंस जाएंगे तो ए ऑप्शन आंसर आएगा इनेट बताया है इसने जन्मजात बताया है सर ऐसे क्यों बता दिया सर अनुकूल तो वातावरण में होगा ना आप बिल्कुल सही है लेकिन प्याजे अपनी जगह सही है सर कैसे बताया आए ना, आइए बताता हूं

के साथ अनुकूलन करना सीख जाता है तो ये बात तो निश्चित यहां से निकल कर आई पीछे भी तीन चार क्वेश्चन निकल के आए थे क्वेश्चन आएगा कि वैज्ञानिक की संख्या किसने दी है लिटल साइंटिस्ट इनमें से किस साइकोलॉजिस्ट ने कहाजे तो कहा. से रिलेटेड है, तो है, है. क्वेश्चन आएगा बालक अपने बुद्धि से अपनी बौद्धिक क्षमता से संसार की परिकल्पना स्वयं कर लेते हैं यह कथन किसका है प्याजे कोलबर्ग वाइवोड्स की और थोन तो उत्तर आएगा जीन प्याजे तो यहां भी आपके इंपोर्टेंट टेंट तीन चार वेरी वेरी इंपोर्टेंट डेफिनेशन भी की हैं और हमने बात की भी ऑर्गेनाइजेशन और, और अनुकूलन ऑर्गेनाइजेशन सिंपल सा है कोई ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं उठते बस यूं आ जाएगा कौन सा संप्रदाय यूज नहीं किया तो उसमें यूज ये किया है कई बच्चे इस पर देते बोला ये यूज नहीं किया तो ये भी किया है अनुकूलन भी अनुकूलन को आगे दो भागों में बांटा है दो भागों को जानेंगे सबसे पहले अनुकूलन या एडेप्टेशन को समझ रहे हैं आखिर अनुकूलन सर हमें समझ आ गया यानी एनवायरमेंट के साथ कनेक्शन बैठाना एनवायरमेंट के साथ तालमेल बैठाना क्या कहलाएगा जी अनुकूलन कहलाएगा अपने परिवेश के साथ अपनी सोसाइटी के साथ अपने घर परिवार के साथ घुल मिल जाना क्या कहलाएगा कहलाएगा और यह प्रोसेस बच्चे में भी होती है, है। आगे चलते हैं फिर इस अनुकूलन की दो प्रक्रियाएं होती हैं दो उपक्रियाएं होती है उन्हीं में से दो का नाम है एक का नाम है एसिमिलेशन एक का नाम है एक्मोडेशन ये दो इसकी क्यों है बिल्कुल सिंपल भाषा में यदि मैं आपको समझ कि ताली बजना बजना ध्यान से समझिए ताली ताली अनुकूलन है और इस हाथ को इस हाथ हाथ को पे मारना ताली तो अभी भी बजी तो वो एसिमिलेशन है और इस हाथ को इस हाथ पे मारना ये एकमोडेशन है ताली भी बजी तो इसलिए दोनों इसका भाग है कहने का मतलब इन तीनों के अंदर एडजस्टमेंट ही होती है ध्यान से मेरी बात को समझिएगा एडेप्टेशन में, में, में तीनों में, में फर्क यही है इसको इस पे मारूं तो एसिमुलेशन इसको इस पे मारूं ताली तो अभी बजी एक्मोडेशन तीनों समझा गया हूं एक ही बात में लेकिन शायद आपको अभी समझ नहीं होंगे जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे फिर समझ आएंगे आइए वैसे असिमलेशन और एकमोडेशन सीखते हैं तो एनवायरमेंट और पर्सन दो चीजें हैं पर्सन और एनवायरमेंट जैसे मैंने दो हाथों का एग्जांपल लिया पर्सन और एनवायरमेंट दो चीजें हैं दोनों का आपस में कनेक्शन होना वो क्या कहलाया वो कहलाया जी एडेप्टेशन और फिर डिपेंड करेगा आगे देखते हैं अब एसिमुलेशन और एकमोडेशन आइए एसिमुलेशन की एक नहीं मैंने एक दो तीन

और कई बार उल्टा भी करेगा उल्टा कैसे सर ऊपर एक बात लिख देगा कि इनमें से एसिमिलेशन कौन है फिर नीचे चार ऑप्शनों में से एक ऑप्शन कोई इनमें से तीन ऑप्शन कोई गलत दे देगा कोई बाहर से दे देगा एक मोडेशन की जानेंगे चार अलग अलग क्या होता है तो एसिमुलेशन या हिंदी में आत्मसात्करण इंग्लिश में एसिम्युलेसन आत्म से अभिप्राय बालक अपनी समस्या का समाधान करने के लिए या वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने हेतु पहले से सीखी हुई क्रियाओं का सहारा लेता है जी हां बालक ने कोई चीज पहले से सीख रखी है और उस पूरों में सीखी गई क्रिया का जब सहारा ले कहने का, मतलब, establish, uh, establish कहने का मतलब है कि जब बालक यहां पे में एनवायरमेंट के साथ तालमेल देखो एनवायरमेंट के साथ तालमेल बैठाना क्या था एडेपेशन अब ये बात कि जब दोनों इसके हैं इसका मतलब इनमें भी हमें तालमेल तो बैठाना है लेकिन डिपेंड करता है ये हाथ उसके साथ तालमेल बैठाएगा कि वो वाला उसके साथ कि आदमी एनवायरनमेंट के साथ ढलेगा तो क्या होगा और एनवायरनमेंट आदमी के अनुसार ढलेगा तो क्या होगा और दोनों आपस में ढल जरूर रहे हैं तो दोनों को मिला के हुआ क्या अनुकूलन ही हुआ दोनों आपस में आदमी एनवायरमेंट के अनुसार ढले या एनवायरमेंट आदमी के अनुसार ढले तो दोनों प्रक्रिया यही है और दोनों को मिला के वो क्या है चाहे वो उसके अनुसार ढले चाहे वो चाहे ये हाथ उस पे लगे चाहिए उस पे लगे, बजनी तो ताली है तो वो अनुकूलन है तो आइए फिर देखते हैं सिमुलेशन दोबारा से कि इसके अंदर क्या होगा अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बालक पास्ट नॉलेज का सहारा लेता है तो आपको जिस डेफिनेशन में ये वर्ड मिल जाए पास्ट पास्ट नॉलेज 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 यूज़फुल यूज़फुल क्योंकि का सहारा लिया गया आपको मिल जाए पास्ट नॉलेज यूजफुल है कोई नए काम को करने के लिए प्रीवियस नॉलेज यूजफुल है समझ लेना उत्तर एसिमिलेशन आएगा अब एक इसकी चारों नहीं देखेंगे और सर अब एक एक्मोडेशन की देखते हैं इससे उल्ट, एक इसकी देखी अब एक, 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 एक की फिर एक इसकी देखेंगे क्या कहानी सर अलग से समायोजन, समायोजन इंग्लिश में देखना एक मिलेगा इंग्लिश में एक्मोडेशन मिलेगा हिंदी में गलत नाम भी दे सकता है ठीक है जी तो ये आत्मीकरण है ये समायोजन ये क्या होता है सर समायोजन में पूर्व में सीखी गई क्रिया काम नहीं आती यूजलेस स प्रीवियस नॉलेज यूजलेस तो आंसर होगा एक्मोडेशन इंग्लिश में बोलूंगा मैं हिंदी में रहने दो तो नाम समायोजन है कि आत्मिकण मिस्टेक करेगा वो हिंदी में नाम फिर बता रहा हूं इंग्लिश में ध्यान रखिए एसिमुलेशन एक्मोडेशन दोनों किसके पार्ट है एडेप्टेशन के तो एक्मोडेशन क्या हुआ कि जिसमें पास्ट नॉलेज यूज़लेस है प्रीवियस नॉलेज यूज़लेस है कुछ नया करना पड़ेगा इसके अंदर यानी प्रीवियस नॉलेज आपकी काम नहीं आ रही पुरानी किताबें आपने पढ़ी मान लो कि आपने आठवीं सातवीं में पढ़ के आए और आठवीं का ज्ञान नौवीं में काम आ गया और नौवीं में काम आ गया इसका मतलब प्रीवियस नॉलेज यूज़फुल हो गई फिर तो उत्तर होगा एसिमिलेशन क्या होगा जी एस और लेकिन आठवीं की पढ़ी हुई किताबें नौवीं का एकदम नया सिलेबस पढ़ना है कि यहाँ पढ़ के नौवीं इंग, इंग्लैंड से करनी है आपको नौवीं तो वो यूजलेस हो गया फिर नए सिरे से पढ़नी पड़ेगी इसका मतलब फिर आपको एक्मोडेशन करना पड़ेगा तो पास्ट नॉलेज यूजफुल है बताएं एक बार इतना पहली वाली डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई क्या दोनों में पास्ट नॉलेज यूज हो रही है प्रीवियस नॉलेज आपका काम आ रहा है आगे के काम में तो तो एसिमिलेशन है और प्रीवियस नॉलेज पास्ट नॉलेज आपकी यूजलेस है काम की नहीं है यूजफुल नहीं है तो वो कहलाया एकमोडेशन बोलिए इतनी बातें क्लियर हैं या नहीं एक बार इतना बता दीजिए एक एक डेफिनेशन समझा दी फिर अथुआ वाली और समझाऊंगा आगे की भी समझाऊंगा इतनी वाली आप सभी की यहां तक क्लियर हो गई क्या एक बार ये बताइए एक बार कमेंट चाहूंगा यहां तक आपका क्लियर है क्या चलिए यस सर यस चलिए इतनी बात क्लियर है इतनी बात क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी डेफिनेशन देखते हैं दोनों की कि अथवा के रूप में ये ना आए तो ये आ जाए तो देखेगा पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना क्या कहलाएगा जी एसिमिलेशन यानी के कंबाइनिंग प्रीवियस नॉलेज विद न्यू नॉलेज जब कनेक्ट कर पा रहे हो चीजों को तो एसिमिलेशन क्योंकि अभी तो बताया आठवीं का नॉलेज नौवीं क्लास में यदि काम आ रही है इसका मतलब कनेक्ट हो गया प्रीवियस नॉलेज न्यू नॉलेज से कनेक्ट हो पा रही है तो क्या हो गई जी तो हो गया एसिमिलेशन पास्ट नॉलेज यूजफुल ही तो हुई तभी तो कनेक्ट कर पाए पुराना ज्ञान सर जी यहाँ स्कीमा वर्ड आया है स्कीमा आया है क्या पुराना ज्ञान ये ज्ञान नहीं मैं स्कीमा बोल सकता है नहीं भी आया हो अगले में आया होगा पुरानी सोच या स्कीमा है सोच कहूं स्कीमा कहूं ज्ञान कहूं स्कीमा क्या है स्कीमा भी द्वारा यूज किया हुआ है याद रखिए आगे आएगा स्कीमा फिर भी मैं बता देता हूं स्कीमा एक प्रकार का ज्ञान का ही पर्यायवाची है जी हाँ क्या है जी स्कीमा एक प्रकार का ज्ञान का पर्यायवाची है स्कीमा इज ए सर इंग्लिश में क्या कहेंगे इंग्लिश में भी स्कीमा हिंदी में भी स्कीमा स्कीमा इज नॉलेज ऑफ गोडाउन नॉलेज ऑफ गोडाउन भंडार ग्रह ज्ञान का भंडार ग्रह स्कीमा कहलाएगा साइनोनियम ऑफ

चेंजिंग या मेन यहाँ पे मोडिफिकेशन वर्ड देखने को मिल सकता है क्या देखने को मिल सकता है जी मोडिफिकेशन याद रखिए ये वर्ड जिस डेफिनेशन में मिल जाए ना इंग्लिश में देख लेना इंग्लिश में देख लेना हिंदी मीडियम वाले भी मोडिफिकेशन पूरी लंबी डेफिनेशन दे दे और उस लंबी डेफिनेशन में आपको मोडिफिकेशन वर्ड मिल जाए ना आंख बंद करके आप एक मोडिशन उत्तर लगा देना गलत नहीं होगा डेफिनेशन समझ ना आए आए जब आपको मॉडिफाई करना पड़ जाए चीजों को तो उत्तर होगा चेंज करना पड़ गया इसका मतलब पुरानी सोच में बदलाव करना पड़ गया देखो पुराना इसका मतलब मैंने बताया कि आठवीं यहां से की इंडिया से नौवीं इंग्लैंड से करनी पड़ जाए तो पुरानी सोच को बदलाव करना पड़ेगा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा कुछ न्यू करना पड़ेगा मॉडिफिकेशन या न्यू क्रिएट कुछ न्यू क्रिएट करना पड़ जाए या मोडिफिकेशन करना पड़ जाए तो होगा एक्मोडेशन और पास्ट नॉलेज काम आ रही है पुराना ज्ञान काम आ रहा है पुराना ज्ञान नए ज्ञान के साथ जुड़ पा रहा है पास्ट नॉलेज न्यू नॉलेज का एग्जांपल भी दे बताऊंगा जैसे दे भी रहा हूं साथ के साथ आठवीं की नॉलेज नौवीं में काम आ रही है सिलेबस साठ वही है थोड़ा बहुत नया पढ़ना है बस तो पुराना ज्ञान नए के साथ जोड़ पढ़ रहे हैं तो हो गया हमारा एसिमिलेशन और पुराना ज्ञान कुछ और था नया ज्ञान

एक दूसरे की उल्ट तीसरी पे चलेंगे फिर फिर तीसरी पे चलेंगे एसिमिलेशन एस की और क्या डेफिनेशन पेपर में आ सकती है यस बताइए कमेंट करो एक बार जल्दी से कमेंट करो भाई फटाफट से हाँ जी यस यस चलिए क्लियर कल, है तो चलते हैं टाइप नंबर तीन पर मतलब टाइप नंबर तीन को या तीसरी डेफिनेशन पे चलते हैं तीसरी डेफिनेशन बड़ी टाइट डेफिनेशन है थोड़ा सा फर्क है बस थोड़ा सा फर्क है देखिए पढ़िए पुराने एसिमिलेशन के पढ़ रहे पहले पुराने पुराने विचारों तथा अनुक्रियाओं इसको विचार कहूं स्कीमा कहूं अनुक्रिया कहूं टेंशन मत लेना एक ही बात है पुराने विचारों तथा अनुक्रियाओं में नए विचारों या अनुक्रियाओं का समावेश करना अच्छा जी सर समझ नहीं आई अरे अगली दिखाऊंगा तो भी समझ नहीं आनी पढ़ो अगली तीसरी यहाँ पे पुराने विचारों व अनुक्रियाओं का नए विचारों में नए विचारों व अनुक्रियाओं में वह आएगा यहाँ पर यहाँ पे वह आएगा वह ठीक है जी तो अपने पुराने विचारों व अनुक्रियाओं में अनुक्रियाओं का नए विचारों अनुक्रियाओं में समावेश करना सर ये वाली समझ नहीं आई सर ये वाली तो सेम कॉपी पेस्ट दिख रही है रे पगलो नहीं सेम नहीं है आइए फिर पढ़ाता हूं यहां लिखा है पुराने विचारों में विचार और अनुक्रिया एक ही चीज है विचार ज्ञान स्कीमा अनुक्रिया एक ही है वो सब एक बार विचार पढ़ लो इसको पुराने विचारों में नए विचारों को डाल देना यहां तो यह लिखा है कि पुराने गिलास में बड़े गिलास में छोटे गिलास को डाल दूं और वहां पता क्या लिखा है छोटे गिलास में बड़े को डाल दूं मतलब यहां तो लिखा ही साथ पे ये हाथ मार दूं वहां लिखा है ही साथ पे ये वाला हाथ मार दूं ताली अभी भी बजी है ताली उस टाइम भी बजी है और दोनों हाथों से ताली ही बजी है मतलब एडेप्टेशन है मतलब एनवायरमेंट को या तो यहाँ लिखा है कि या तो एनवायरमेंट को अपने अनुसार ढाल दूं या एनवायरमेंट के अनुसार मैं खुद डल जाऊं तो मतलब एक तो बड़े गिलास को इस गिलास को इसमें में डाल दूं और एक जगह लिखा है उस गिलास को उसमें डाल दू इतना सा फर्क है दिखाऊं कैसे देखो एसिमिलेशन पढ़ो एसिमिलेशन पढ़ेंगे पुराने विचारों में देखो इस वर्ड को पढ़ो कह रहा है पुराने विचारों में नए विचार फिट हो गए तो इसका मतलब एसिमिलेशन है इसका मतलब पुराना ज्ञान काम आ रहा है पुराने विचारों में पास्ट स्कीमा में न्यू स्कीमा चला गया पुराने विचारों में ये पुराना विचार है मेरा मान लो ये हाथ पे ये नए विचार आ रहे हैं बाहर से एनवायरमेंट से तो पुराने विचार में नया विचार फिट हो गया पुराने विचारों में पुराने स्कीमा में पास्ट नॉलेज में न्यू नॉलेज ऐड हो गई तो याद रखना पास्ट नॉलेज में न्यू नॉलेज ऐड कर दें तो क्या कहलाएगा पास्ट नॉलेज में न्यू आइडियाज न्यू रिस्पॉन्स न्यू नॉलेज ऐड हो जाए ठीक है जी तो जब ऐड करने की बात हो एड करने की बात हो तो आपका क्या होगा जी याद रखना क्योंकि पुराना ज्ञान इसका मतलब अभी भी काम आ रहा है इसके अंदर चीजें पास्ट में ही डलती जा रही हैं न्यू नॉलेज भी और उसमें क्या लिखा है सर देखो उसमें क्या लिखा है उसमें उल्टा है पुराने विचारों का नए में डालना पुराने वाले को अब नए में डालना पड़ेगा इसका पुराना काम नहीं आया भाई साहब पुराना रद्दी का कूड़ा बन गया अब इसमें पुराने का नए में डालना है पुराने का नए में डालना है उसमें था पुराने में पुराने में नए को डालना पुराने में नए डालना तो तो यूज हो रहा है इसका मतलब पुराने में ही नया डलता जा रहा है आठवीं क्लास के ज्ञान में ही नौवीं वाला क्लास का ज्ञान भी ऐड होता जा रहा है क्योंकि साठ परसेंट तो वही काम चालीस और ऐड कर लिया तो नौवीं का ज्ञान मिल गया और बिल्कुल डिफरेंट ज्ञान लेना हो आठवीं में कुछ और था नौवीं में किताबें नहीं आ गई सिलेबस नहीं आ गया इसका मतलब है उस पुराने ज्ञान को ही उठा के इस नए में डालना पड़ेगा अब और जब नए में डालने की बात आ जाए तो फिर एकमोडेशन पुरानी चीज काम आ रही है पास्ट नॉलेज यूजफुल हो रही है समझ लो एमेशन और न्यू नॉलेज यूज हो रही है पास्ट नहीं हो रही पुराने को तो नई में डालना पड़ेगा अब अब एकमोडेशन कहलाएगा बताइए इतनी बात क्लियर हो गई क्या सर नीचे नहीं दिख रहा नीचे वाली क्या लिखी है एक मिनट रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ नीचे वाली अभी दिखा देता हूं आपको एक सेकंड का वेट चलिए अब आपको अब आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे क्या लिखा है वो चीजें अब दिख रही होंगी ठीक है जी चलिए लो जी इतनी बातें क्लियर हो गई ना इतनी बातें सबको क्लियर हो गई यानी तीसरी डेफिनेशन भी दोनों की क्लियर हो गई होगी मैं और भी एग्जांपल दूंगा चिंता मत करो एग्जांपल ढेर दूंगा ये दोनों कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए दो नंबर का सवाल पक्का आता है यहां से कोई भी लेवल दें टी पीजी टी ठीक है जी चलिए चौथी डेफिनेशन पढ़ते हैं दोनों की चौथी क्या कहती है जी यदि हम परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना दें तो करण है यानी एसिमिलेशन है कब है जब हम एक तो हम हैं एक हमारा एनवायरमेंट है मैंने कहा था शुरू में ही अपने और एनवायरमेंट के बीच तालमेल बनना चाहे वो कैसे भी बने चाहे एनवायरमेंट के अनुसार हम ढले या एनवायरमेंट हमारे अनुसार चले मतलब कहलाए तो एडेप्टेशन ही गा। क्योंकि ये दोनों बच्चे एडेप्टन के ही हैं अब दोनों बच्चों में से एक चीज इसको मिल गई एक उसको बोला जी जब एनवायरमेंट अपने अनुसार चलेगा तो वो लैसिमिलेशन है और हमें एनवायरमेंट के अनुसार चलना पड़ जाए तो एकमोडेशन है तो इसमें क्या लिखा है परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना दें इसका मतलब हमारी पास्ट नॉलेज ही यूजफुल हो रही है यानी परिस्थितियों को अपने अनुकूल चलाएं मतलब अपने अनुसार चल रही है चीजें तो एसिमिलेशन है इसका मतलब है। तो आत्मसातकरण है और लेकिन वहां क्या है सर यहाँ है यदि हम परिस्थितियों के अनुकूल बन जाए तो समायोजन या एकमोडेशन कहलाएगा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई हम परिस्थितियों के अनुकूल बन जाएं ठीक है जी वीडप्ट टू दर्कमेंस इट इज कॉल्ड कॉल्डेशन तो हम परिस्थितियों के अनुकूल बन जाएं भाई एक तो देखो एनवायरमेंट है जैसे एग्जाम्पल बताता हूं मैं सर एग्जाम्पल बता दो ना एग्जाम्पल तुम्हें ढेरों बताऊंगा चिंता मत करो एक बार ये देखो सिंपल एग्जाम्पल ढेरों एग्जाम्पल ही सारा कंसेप्ट क्लियर होगा आइए ये वाला एग्जाम्पल देखिए सरल जोड़ घटा के सवाल सीखने के बाद पूरा अनुभव के आधार पर कठिन जोड़ घटा के सवाल हल करना बताइए प्याजे के अनुसार क्या है ए ऑप्शन मिलेगा एसिमुलेन बी एक्मोडेशन सी मिलेगा इक्विलिब्रेशन डी कुछ और एडेप्टेशन ऐसे दे देगा तो उत्तर होगा एडेप्टेशन तो सब में होगा चाहे एसिमुलेन चाहे मोडेशन लेकिन जब उस प्रोपर नहीं, जब टिकॉपर उसके बच्चे का नाम दे दिया के का क्या नाम दे दिया भाई आए के आए फिर उन्हीं में से टिक होगा तो सरल जोड़ घटा के सवाल सीखने के बाद पूरा अनुभव के आधार पर देखो पास्ट अनुभव पास्ट एक्सपीरियंस काम आ रहा है और पास्ट एक्सपीरियंस काम आ रहा है तो मतलब उसी के बेस पे यदि आप कठिन जोड़ घटा के सवाल सोल्व कर पा रहे हैं डिफिकल्ट सवाल सोल्व कर पा रहे हैं इसका मतलब काम आया ना पास्ट नॉलेज काम आया तो एसिमुलेशन है और यदि यही एग्जाम ऐसे लिखा होता सरल जोड़ घटा के सवाल सीखने के बाद यदि गुणा भाग के सवाल आप नहीं कर पा रहे मतलब तो मतलब पड़ेगा, पड़ेगा इसका मतलब है, करना पड़ेगा पास्ट नॉलेज में और मोडिफिकेशन करना पड़ गया तो फिर एकमोडेशन कहलाएगा बोलो बात समझ आई कि नहीं आई दूसरा एग्जांपल देता ये देना कि हम

के अनुसार रहना पड़ता है सास के अनुसार चलना पड़ता है तो बहू का सास के अनुसार चलना बहू का सास के अनुसार चलना बहू का सास के पर नाचना, बहू का सास के ऑर्डर को फॉलो करना बहू को समाज ससुराल वाले समाज के हिसाब से चलना तो उस समाज के हिसाब से उस ससुराल वाले परिवेश के हिसाब से या वो सास भी परिवेश हो गई उसके हिसाब से चलना तो क्या कहलाएगा तो कहलाएगा एकमोडेशन तो बहु का वहां क्या हुआ एकमोडेशन क्योंकि बहु ने परिस्थितियों के अनुसार चलना पड़ा तो वो एकमोडेशन कहलाएगा और यदि उस बहु में कोई परिवर्तन नहीं आया कहा मैं मैं तो तो ऐसे ही रहूंगी सास सास यानी थी और बहु बोले, मैं तो पीहर में बिना पर्दा रहती थी अरे सास तू देख क्या रही है मैं तो अभी भी बिना पर्दा रहूंगी मैं खुले बालों को यूं ही गिरा करके ऐसे ही घूमूंगी सास तेरी नहीं चलने दूंगी और सास की नहीं चलने दी मतलब उस सास

ये सारे एग्जाम्पल सभी यहां तक आप सबको क्लियर है या नहीं एक बार जल्दी से मुझे कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कॉमेंट छोड़ दीजिएगा इतना आपको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ फटाफट बताइए भाई शाबाश जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा आपके कमेंट को लेंगे हाँ जी यस सर यस बिल्कुल क्लियर है सर डन यस ओके चलिए यदि इतनी बात क्लियर है आइए और भी एग्जांपल लेते हैं आखिर ये एसिमुलेशन और रेकमोडेशन आखिर होता क्या है और दूसरे एग्जांपल से एसिमुलेशन और रेकमोडेशन को समझने की कोशिश करते हैं फटाफट से तो आइए यदि हम यहाँ पर बात करते हैं फटाफट से किस प्रकार दूसरा एग्जाम्पल जैसे मान के चलिएगा कि आप कभी दुकान पर जाते होंगे ठीक है जी शोरूम पे जाते हैं और शोरूम पे जाते हैं तो वहां पर शोरूम में वो बड़े बड़े बक्से से होते हैं ना खाली बक्से मान लो जो खाली बक्से हैं वो स्कीमा है एक प्रकार से सुनो वो बक्से रखे हैं मतलब क्या बोलेंगे स्टैंड कह कह लो लो बक्से कुछ भी कह लो जिसमें वो अलग अलग साबुन रखे होते हैं साबुन भाई इस एरिए में साबुन है इसमें शैंपू रखे हैं इसमें तेल रखे हैं किसी भी आप बाजार के अंदर किसी दुकान पे बड़े शोरूम वगैरह किसी ऐसे दुकान पे जाते हैं ठीक है तो वहां यदि हम बात करते हैं एग्जाम्पल सुनना ध्यान से तो जो खाली बक्से रखे वो एक प्रकार से स्कीमा है एक प्रकार से आपका चिप है दूसरे चलो एक चिप का एग्जाम्पल देता हूँ सबसे पहले चिप का एग्जाम्पल देता हूँ एक बार उसको छोड़ रहा हूं दुकान वाले को ढेरों एग्जाम्पल दूंगा एग्जाम्पल जैसे चीजें क्लियर होंगी पेपर में एग्जाम्पल ही आएगा आजकल तो फोन की ही मेमरी इतनी आने लगी कि पूछो ही मत पहले चिप आया करती पहले याद करो फोन की मेमरी थोड़ी आ करती चिप आया करती वो चिप ही स्कीमा है चिप ही अपने आप में स्कीमा स्कीमागे स्कीमा का कंसेप्ट आएगा लेकिन बार बार मैं स्कीमा क्योंकि इसने ने सोच स्कीमा एक ही बात है इसलिए बार बार स्कीमा यूज कर रहा वो चिप ही अपने आप में क्या थी स्कीमा ज्ञान का भंडार ग्रह भंडार ग्रह था गानों का भंडार ग्रह था वो चिप उसमें गाने डलवाते थे सॉन्ग डलवाते थे फिल्म डलवाते थे नाटक डलवाते थे कुछ भी एनीथिंग डलवाते थे तो वो ज्ञान का भंडार ग्रह उसके अंदर चीजों को इकट्ठा करना संग्रह करना वो स्कीमा कहलाया ठीक है जी तो वो चिप तो थी स्कीमा अब उस चिप में आपने बनाए फोल्डर चिप में क्या बनाई जी आपने बनाए फोल्डर मान लो कि एक फोल्डर आपने बना लिया हिंदी सॉन्ग का एक फोल्डर बना लिया पंजाबी सॉन्ग का एक फोल्डर मान लो बना लिया हरियाणवी सॉन्ग का ऐसे ऐसे मान लो तीन फोल्डर बनवा लिए और में क्या हुआ कि कि मान लो आपने पंजाबी सॉन्ग में सॉन्ग डाल रखा है कि बब्बू मान का सॉन्ग डाल रखा है अब जैसे ही एक बब्बू मान का और नया गाना आया तो बब्बू मान का नया गाना आया जाते ही आपने उसे भी पंजाबी सॉन्ग वाले फोल्डर में डलवा लिया बताइए यह क्या है बताइए प्याजे के अनुसार

जाएं पुराने में नए का ऐड कर देना नए को ऐड कर देना तो क्या कहलाया जी एसिमलेसन कहलाया अब सुनो वहां पे बब्बू मान की बजाय गाना आ जाता जी मान लो कि आ, किसका गाना सिद्धू वाले का आ जाता फिर सर एक हो जाता। पगलों नहीं। फिर भी, तो भी सिद्धू तो उसका गाना भी तो आप किस फोल्डर में डलवाओगे पंजाबी सॉन्ग वाले फोल्डर में इसका मतलब पुराना फोल्डर काम आ गया उसी फोल्डर में चीजों को ले जा रहे हो तो कहलाया अब मान लो कि गाना आ गया उर्दू और उर्दू गाना आपको पसंद है और आपके फोल्डर क्या क्या थे फोल्डर था जी हिंदी सॉन्ग पंजाबी सॉन्ग और हरियाणवी उर्दू सॉन्ग का तो फोल्डर ही नहीं है इंग्लिश गाना आ गया इंग्लिश सॉन्ग का तो आपने फोल्डर नहीं बनवा रखा और आज इंग्लिश सॉन्ग सुनने का चेंज मूड किया तो इसका मतलब आपको एक नया फोल्डर बनवाना पड़ेगा इंग्लिश सॉन्ग का उसमें डलवाना पड़ेगा इसका मतलब पड़े 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 मोडिफिकेशन करना पड़ गया अब पुराना स्कीमा काम नहीं आया पास्ट नॉलेज प्रीवियस नॉलेज प्रीवियस फोल्डर काम नहीं आए प्रीवियस फोल्डर यूजलेस हो गए न्यू फोल्डर क्रिएट करना पड़ गया मोडिफिकेशन करना पड़ गया और मॉडिफिकेशन करना पड़ गया न्यू क्रिएट करना पड़ गया तो सीधा सीधा उत्तर क्या हो जाएगा एक्मोडेशन उम्मीद करूंगा ये बात भी आपको समझ आ गई होगी चलिए अब एक दुकान की तरफ ले चलता हूं एक दुकान से एग्जाम्पल देता हूं आप सभी को सुनिए ध्यान से बात को क्या हुआ एक दुकान या शोरूम है उस दुकान में जो बक्से से बना रखे हैं वो खाली बक्से अपने आप में उसका भंडार ग्रह वो वो पूरा गोडाउन भंडार ग्रह पूरा शोरूम भंडार ग्रह भंडार ग्रह अपने आप में स्कीमा है ठीक है जी यानी कि अब उसमें क्या करेगा उसने जो बॉक्स बना रखे हैं उसमें एक बॉक्स में मान लो उसने तेल का बॉक्स बना दिया जी एक बॉक्स में हर तरह का तेल रखा है वहां पे बजाज का तेल रखा है वहां पे सरसों का तेल रखा है नारियल का तेल रखा है हर तरह का तेल रखा है एक बक्सा उसने मान लो शैम्पू का बना दिया जी वहाँ पे ढेरों सेम्पू हिमालय का शैम्पू रखा है वहाँ पे डो का शैंपू रखा है एक बक्सा उसने साबुन का बना रखा है मान लो लक्स की साबुन रखी है डो की साबुन रखी ठीक है जी ऐसे ऐसे बक्से बना रखे हैं अब बाहर से मार्केट से आए एजेंट आए एजेंट ने कहा जी ये वाली साबुन भी बहुत बढ़िया मार्केट में आई है जी आपके पास लक्स डव है मैं लेके आया हूँ जी डिटोल वाली साबुन बताइए डिटोल वाली साबुन को उसमें डालेगा आप बक्सों में तो वो क्या है आप सर, तो आप कहोगे सर ये तो एसिमिलेशन है क्योंकि साबुन नाम से बक्सा उसके पास बना हुआ है और बाहर से डिटोल साबुन आई बेसक वो साबुन चाहे लक्स आए चाहे डिटोल आए, आए क्योंकि उसने तो साबुन से एक फोल्डर बना रखा है कि इसमें सारी साबुन रखूंगा तो उसी में लक्स रखी थी उसी में डव, तो उसी में डिटोल भी रख देगा तो पुराने नॉलेज में पुराने ज्ञान में पुराने नॉलेज में पास्ट फोल्डर में प्रीवियस फोल्डर में प्रीवियस नॉलेज में ही न्यू नॉलेज जा रही है नई चीज उसी पुराने में जा रही है तो नई चीज भी उसी में जा रही है तो ऐसी मिलेसन और अब सुनना एजेंट आया कहा जी ये मार्कर आया है नया और मार्कर का उसके पास कोई फोल्डर ही नहीं था उसके पास तो साबुन का शैंपू का तेल का इन चीजों का था और उसे तो मार्कर बेचने का भी मन किया कहा जी धड़ल्ले से बिकेंगे तो एक अलग से फोल्डर बनाना पड़ा इसका मतलब पुराने फोल्डरों में परिवर्तन करना पड़ा मतलब अपनी दुकान में चेंज करना पड़ा थोड़ा सा एक नया फोल्डर क्रिएट करवाना पड़ा मिस्त्री बुला करके इसका मतलब फिर वो क्या कहलाएगा चेंज करना पड़ा तो वो आपका एकमोडेशन कहलाएगा बात सबको समझ में आ गई होगी हंजी सर और एग्जाम्पल बताता हूँ सर सुनिए ध्यान से क्योंकि पेपर में इंपॉर्टेंट है बच्चे बार बार एस्टिमिलेशन एक गलत करके आते हैं ठीक है जी और यहां पर मैं बात करूं एक और एग्जांपल इतना तो आपको क्लियर हो गया जो मैं हाथ वाला एग्जांपल दे रहा था कि ताली का बजना एडेप्टेशन इस हाथ को उस पर मारू को उस उसपे मारूं एकोमोडेशन और दोनों से मिलके एडेप्टेशन ही हुआ तालमेल तो बना ही बना है यानी दोनों से मिलके एडेप्टेशन बेशक सास बहु के अनुसार चले या बहु सास के अनुसार चलना तो जरूर पड़ेगा आपस में तालमेल तो बैठा कर ही चलना पड़ेगा नहीं तो जूस बजते दे देर नहीं लगेगी तो कहने का मतलब अडेप्टेशन तो पक्का करना पड़ेगा तालमेल तो बैठाना पड़ेगा फिर वो तालमेल चाहे सास के अनुसार चले या सास बहु के अनुसार फिर वो प्रक्रियाएं एसिमिलेशन और एडेप्टेशन कहलाई ये बात तो क्लियर हो गई

जी उस बिल्ली की इमेज को बच्चा ले गया है जी आपके दिमाग में ले गया है दिमाग में फिट कर लिया है अब बिल्ली के चित्र को दिमाग में तो ले गया अब बात ये उठती है सर ये क्या था ये था स्कीमा उस बिल्ली के चित्र को बच्चा दिमाग में फिट कर लेता है ये क्या कहलाया ये स्कीमा कहलाया अब क्या हुआ उसके दिमाग में बिल्ली का स्कीमा बन चुका है कैट का स्कीमा उस बच्चे के माइंड में बन चुका है उसने एक स्कीमा बना लिया एक कंसेप्ट बना लिया कि ऐसी ऐसी बिल्ली होती है एक पूंछ होती है और इसकी चार टांगे होती हैं इस प्रकार से उसने अपना क्या बना लिया जी स्कीमा बना लिया तो ये अब अगले दिन तक ये क्या बन गई उसकी प्रीवियस नॉलेज बन गई पास्ट नॉलेज बन गई क्योंकि आज प्रेजेंट है कल जो आज बीता वो कल प्रेजेंट पास्ट बन जाएगा ठीक है ना तो वो उसकी प्रीवियस नॉलेज बन गई अब दो दिन बाद वो क्या देखता है एक छोटे से पिलूरे को देखता है एक छोटे से पिलूरे को जब देखता है यानी कुत्ते के बच्चे को और कुत्ते का बच्चे का रंग भी काला था और ठीक उस बच्चे को लगा हाँ हाँ यार ये तो कल परसों ही मैंने ऐसा ऐसा देखा था और अपने पापा को कहा पापा पापा बिल्ली और पापा ने कहा अरे नहीं बेटा ये बिल्ली नहीं ये कुत्ता है ये कुत्ते का बच्चा अथवा पिलूरा है ये पप्पी है तुरंत बच्चा डिसिकुलेट हो जाएगा क्या हो जाएगा जी डिस तो बताया नहीं आपने चलो ये बाद में बताएंगे इक्विलिब्रेशन और डिसक्वलिब्रेशन यानी अब बच्चे को क्या करना पड़ेगा अब बच्चे को पुराने स्कीमा में बदलाव करना पड़ेगा क्योंकि बच्चा तो पुराना स्कीमा ये बना बैठा था कि हर काले रंग की बिल्ली होती है बच्चा तो पुराना स्कीमा ये बना बैठा था कि ऐसा ऐसा जानवर मुझे दिखा तो मैं तो सबको बिल्ली बोलूंगा और बच्चे को पापा ने कहा कि पापा ने बच्चे को कहा नहीं बेटा ये बिल्ली नहीं है तो डोगी का बच्चा पप्पी है इसका मतलब पुराने स्कीमा में बच्चे को बदलाव करना पड़ा और मॉडिफिकेशन करना पड़ा इसका मतलब आगे से बच्चा ध्यान रखेगा अलग से फोल्डर बनाना पड़ा और यार ये तो बिल्ली वाले फोल्डर में नहीं जाएगा ये तो पप्पी वाले फोल्डर में चला गया तो इसका मतलब वो फिर क्या कहलाएगा एडेप्टेशन नहीं वो सॉरी समायोजन या एकमोडेशन कहलाएगा फिर क्योंकि पुराने सोच में क्या करना पड़ा है बदलाव करना पड़ा अब सुनिए दूसरा एक बच्चे ने काले रंग की बिल्ली को देखा था और काले रंग की बिल्ली देखने के बाद पापा से पूछा पापा ये क्या पापा ने बताया बेटा बेटा ब्लैक कलर की कैट है काले रंग की बिल्ली है अब दो दिन के बाद या अगले दिन उस बच्चे ने सफेद रंग की बिल्ली को देखा बच्चे के दिमाग में स्कीमा बना हुआ था कि हाँ यार पापा ने दिखाई थी कल है तो ये भी वैसी ही यानी पूंछ भी वैसी नजर आ रही है छोटी छोटी टांगे भी बस कलर थोड़ा सा वाइट है और पापा से कहा पापा ये भी बिल्ली है ना कैट है ना पापा ने कहा हाँ बेटा सही पहचाने हैं इसका मतलब ये क्या था ये कहलाएगा फिर आपका एसिमिलेशन कहलाएगा यानी कि पुराना ज्ञान उसका क्या हो रहा है जी यूज हो गया कल जो बिल्ली देखी थी वो बिल्ली की तस्वीर आज भी उसे क्यों देखने को मिली है और आज भी वो तस्वीर यदि क्यों देखने को मिल रही है तो इसका मतलब फिर वो क्या कहलाया वो हमारा कहलाया जी एस तो पास्ट नॉलेज यूजफुल हो गई है तो एस और वहां बिल्ली की जगह वो पप्पी था उसको बिल्ली क्या बैठा था और फिर पापा ने जब मना किया डिसबरेट हुआ फिर इकुलब्रेशन करने के लिए फिर उसे उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ा अपनी पास्ट नॉलेज या पास्ट स्कीमा में और फिर वो क्या कहलाया था जी फिर वो आपका एकमोडेशन कहलाया था बताइए इतनी बात यहां तक क्लियर हो गई है या नहीं हो गई एक बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से मैं आपका इतना जानना चाहूंगा फिर आगे बढ़ते हैं फिर आगे के कंसेप्ट को जानते हैं फटाफट से यस सर यस बिल्कुल डन यस क्लियर यानी मुझे अब उम्मीद रहेगी कि आगे से यहाँ पे आप कोई मिस्टेक नहीं करेंगे यहां से कोई सवाल आता है आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट देखते हैं अगला है आपका साम्य धारण इक्वलिब्रेशन यहां पे इक्वली ब्रेसन बोलेंगे सही से तो इस वर्ड को ठीक है जी इक्वली ब्रेसन यहां लिखते हैं क्या हाँ जी इक्वली ब्रेसन ये जो मैं अभी वर्ड यूज कर रहा था ना इक्वलिब्रेशन सर ये क्या होता है इक्वलिब्रेशन का मतलब है बैलेंस बनाना मेन मेन मैंने वहां भी भी कीवर्ड बताए थे कुछ डेफिनेशन समझ में ना आए तो मेन कीवर्ड मैंने इसमें भी बताए कि यहां पे आपको मोडिफिकेशन या न्यू क्रिएट देखने को मिलेगा चेंजेस देखने को मिलेंगे ढेरों सारे और यहां पे मैंने बताया था पास्ट नॉलेज यूजफुल देखने को मिलेगा क्या देखने को मिलेगा जी यहाँ पर पास्ट नॉलेज यूजफुल पास्ट नॉलेज क्या हो रही थी जी यहाँ पर यूजफुल हो रही थी ये वर्ड आपको देखने को मिला प्रीवियस नॉलेज यूजफुल ये देखने को मिले ठीक है जी यहाँ क्या देखने को मिलेगा सर बिल्कुल एक वर्ड में बात करूं तो यहाँ बैलेंस वर्ड देखने को मिलेगा कुछ डेफिनेशन समझ आए ना आए लेकिन ये एक वर्ड आप पकड़ जाएंगे तो आप मार बिल्कुल नहीं खाएंगे ठीक है जी बैलेंस वर्ड को पहचान लेना बैलेंस वर्ड जिस डेफिनेशन में दिखे वो इक्विलिब्रेशन होता है आखिर क्या होता है यदि हम पूरी कहानी की बात करें सबसे पहले बच्चे के अंदर क्या होता है जी बच्चा पुराना स्कीमा ले जाता है पुराना स्कीमा जब बच्चा ले जाता है तो वो क्या करता है वो एसिमिलेट करता है फिर बच्चे के सामने कोई नई चीज आती है नई चीज आती है बच्चा डिसइक्विलिब्रेट हो जाता है मतलब अपना बैलेंस खो देता है जैसे देखा था बिल्ली को आ गया कुत्ता बच्चा बिल्ली कुत्ते को बिल्ली कह रहा था और बच्चा पापा ने मना किया तो बच्चा कन्फ्यूज यानी कन्फ्यूजन पैदा होना डिसिकुलिब्रेशन है कन्फ्यूजन पैदा होना क्या है जी कन्फ्यूजन पैदा होना डिसिकुलिब्रेशन कहलाएगा इतनी बात ध्यान रखेंगे और फिर पापा ने बताया बेटा ये भी बिल्ली फिर उसी चीज को दिमाग में बच्चा ये बेटा ये बिल्ली थी ये कुत्ता है फिर दिमाग में उन तस्वीरों को उन्हीं मेज को भी ले जाता है फिर वापिस से बच्चा इक्वलिब्रेट होने लगता है और वापिस से बच्चा फिर एसिमुलेशन करता है और ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है एसिमुलेशन चला एसिमुलेशन के बाद बच्चा

कल आने वाले समय में आज तो कुत्ते को क्या किया था बच्चे ने बिल्ली की जगह कुत्ते को एसिमिलेशन किया था दो दिन बाद वही बिल्ली कुत्ते दोनों की स्कीमा उसके पास हो गई इसका मतलब अब दोनों एसिमिलेशन में चले गए हैं ऑटोमेटिक फिर वो चीजें पुरानी बन गई है ठीक है जी क्योंकि फिर आपके पास नया फोल्डर भी तैयार हो गया आज फोल्डर इंग्लिश गानों का आपने बनवाया था तो आज तो नया बनवाना पड़ा था तो एकमोडेशन था लेकिन अब आने वाले हर इंग्लिश गाने तो उस फोल्डर में डाल सकते तो आने वाले समय के लिए तो वही चीज एसिमुलेशन हो गई जिस चीज को आज आपने एकमोडेट किया है तो आने वाले समय के लिए वो आत्मसात हो गई है आपके दिमाग में बैठ गई है फिर आने वाले समय के लिए वो चीजें सारी एसिमुलेशन बन जाएंगी यानी पुरानी चीजें एसिमुलेशन नई चीज एकमोडेशन पुरानी चीजें एसिमुलेशन नई चीज

ेशन में आत्मसात्कर्ण व समायोजन अथवा

बैलेंस खो देगा तो डिसिकुलिब्रेशन कहलाएगा इतनी बात क्लियर हो गई होगी आखिर एसिमिलेशन क्या होता है सॉरी ये समय या इक्विलिब्रेशन क्या होता है ये वाला कंसेप्ट भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा यस सर चलते हैं जी अगले पे नेक्स्ट है आपका संरक्षण एक बार पेपर में सी टेट में आ था संरक्षण से जीन प्याजे द्वारा बताए हुए संरक्षण से आप क्या समझते हैं ऑप्शन में था कि वनों के उन्मूलन से बचाव करना कई बच्चे तो उसी दूसरी कराए कि वनों के उन्मूलन से बचाव करना संरक्षण ये जी नहीं चल रही है साइकोलॉजी चल रही है और साइकोलॉजी में संरक्षण अथवा कंजर्वेशन से आप क्या समझते हैं है आइए ध्यान से सुनिएगा संरक्षण से अभिप्राय वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता को पहचानने की क्षमता से है यानी वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता को पहचानने की क्षमता क्या कहलाती है जी संरक्षण कहलाती है कंजर्वेशन रेफरस टू द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड चेंजेस एंड स्टेबिलिटी इन एनवायरनमेंट अथवा दूसरे शब्दों में कहूं किसी वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन को उस वस्तु के तो में परिवर्तन करने से है सर जी समझ ही नहीं आया है तो आप समझाइए बिल्कुल सरल भाषा में आइए संरक्षण या इंग्लिश में याद रखिए कंजर्वेशन आखिर क्या होता है यानी के किसी वस्तु के अंदर से किसी बाह्य वस्तु को बदल दें लेकिन अंदर से उसकी मात्रा प्रभावित ना हो यानी कि उसकी स्थिरता ही बनी रहती है अंदर जो उसके मात्रा है उस मात्रा की स्थिरता की बनी रहती है वह उसका क्या कहलाता है वह उसका याद रखिएगा इस बात को संरक्षण कहलाता है क्या कहलाता है जी संरक्षण कैसे सर एग्जाम्पल समझाइए ना अरे अभी समझाने वाला हूँ आपको चिंता नहीं करनी आखिर कंजर्वेशन क्या होता है देखिए सुनिएगा इस बात को आइए मैं समझाता हूँ जैसे गांव में बच्चों को चाय की आदत है चाय की लत है और चाय की लत है तो गांव में गांव वाले बच्चे को मान लो ए इस कप के अंदर चाय डाल के दे दी ये ले बेटा चाय पी ले ये इतनी सारी चाय मान लो बच्चे को आधा कप करके दे दिया बच्चा फेंक के मारता है मम्मा मैं नहीं पीऊंगा ये चाय थोड़ी है मैं तो भरा पीऊंगा मम्मा अंदर गई और अंदर जा कर के मम्मा ने गिलास में पलटी किया और इस चाय को इस गिलास में डाल दिया चाय तो उतनी थी लेकिन गिलास पतला चौड़ा लंबा था और प, प, कम चौड़ा पतला कम चौड़ा वह लंबा था तो अब वो चाय का गिलास भर गया और बच्चे ने फटाफट से फट संरक्षण फटा फट उस खुशी -खुशी तो का अभाव है कंजर्वेशन का लैक ऑफ कंजर्वेशन कहलाएगी ये और आगे स्टेजिज भी आएंगी कि ये कौन सी स्टेजिज में है प्याजे के? ये बात तो आगे करूंगा ठीक है जी नेक्स्ट लेक्चर में होगी वो बात तो यहां बात करें आप बच्चे ने खुशी खुशी उस चाय को पी लिया इसका मतलब लैक ऑफ कंजर्वेशन अथवा फिर समझिए कंजर्वेशन क्या होता है कि वॉल्यूम चेंज ना हो बेशक बाह्य वस्तु को बदला जाए उसकी मात्रा स्थिर रहे उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन ना आए उसकी मात्रा के परिवर्तन को उसकी क्वांटिटी को बच्चा पहचानना सीख जाए क्वांटिटी में नो चेंज क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया पहले भी 50 ग्राम चाय थी तो अब भी 50 ग्राम ही चाय है बस बाह्य वस्तु को बदलने से क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे लिख देगा सिंपल बाह्य वस्तु को बदलने से उस वस्तु के अंदर की मात्रा में कोई बदलाव ना हो यह ज्ञान क्या कहलाएगा तो संरक्षण का ज्ञान और इसको पहच न पह, पह, पहचानने की क्षमता इसको पहचानने की क्षमता तो संरक्षण कंजर्वेशन या नॉलेज ऑफ कंजर्वेशन और इसको नए पहचानने की क्षमता लैक ऑफ कंजर्वेशन संरक्षण का अभाव कहलाएगा और बच्चा खुशी खुशी इस चाय को पी गया तो समझो बच्चे में संरक्षण का अभाव था क्योंकि बच्चे ने सोचा कई बार ऐसे भी देगा कि एक बच्चा चौड़े तथा कम लंबे चौड़े तथा कम लंबे बर्तन की बजाय उसी उतनी ही मात्रा को कम चौड़े तथा अधिक लंबे में उसको ज्यादा बताता है या इसमें चाय कम और इसमें बोला ज्यादा है तो बताइए यह बच्चे का क्या है प्याजे के अनुसार तो उत्तर आएगा यह है संरक्षण का अभाव है और यदि पूछ ले बच्चा कौन सी स्टेज में जी रहा है तो ये तो आगे आप कमेंट करके बताइए बच्चा कौन सी स्टेज में जी रहा है क्योंकि कल स्टेजेस भी आने वाली हैं उनमें सारे पॉइंट होने वाले हैं ठीक है जी बात क्लियर हो गई होगी और एग्जाम्पल बताइए सर आइए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं जी यहाँ पर समझिएगा जैसे एक बार यूपी टेट में भी आया था ये मेरे पास मान के चलेगा कि एक बर्फी है या मान के चलते हैं चलो कितनी तीन बर्फी मान लेते हैं एक बार ध्यान से देखेगा तीन बर्फी मानता हूं एक दो और तीन घर में दो बच्चे हैं और ध्यान से बात को सुनेंगे दो बच्चे हैं उन दोनों बच्चों में से क्या हुआ जी एक बच्चे ने आते ही ये दो बर्फियां उठा ली फ्रिज से निकाल ली और दूसरे वाला छोटे वाला बच्चा आया उसने आते ही ये वाली एक बर्फी उठाई और रोने लगा मम्मी मम्मी हाय मम्मी मेरी बर्फी क्या हुआ बेटा उसने तो दो ले ली मुझे तो एक मिली अरे पगला रे गंधाला मेरे को दे तेरी तो अंदर रखी इसको मत बता और मम्मी ने क्या किया इस बर्फी के तीन टुकड़े कर दिए फटाफट से एक दो और तीन बोली ले तेरी तो मैं अंदर से लेके आई हूँ वो छीन ले गई और अंदर से किचन से इसके तीन टुकड़े करके मम्मी ने प्लेट में इसको दे दी अब ये बच्चा इस इस बर्फी को खुशी खुशी खा रहा है और क्वेश्चन कैसे आया था कि इस एक बर्फी के मम्मी के द्वारा तीन टुकड़े किए गए और बच्चा उन्हें तीन एक ही बर्फी के तीन टुकड़े ना कहकर उसे तीन बर्फियों के नाम से पुकारता है बताइए उस बच्चे में क्या है उत्तर आएगा चार ऑप्शन मिलेंगे उस बच्चे में संरक्षण का अभाव है लैक ऑफ कंजर्वेशन है उस

तीन बर्फी ना कहकर एक ही बर्फी के तीन टुकड़े कहकर पुकारता है फिर बताइए बच्चे में क्या है? फिर है संरक्षण का ज्ञान नॉलेज ऑफ कंजर्वेशन और जब तक बच्चा इसको एक बर्फी ना कहकर तीन बर्फियां कहकर पुकारता है तो फिर कहलाएगा लैक ऑफ कंजर्वेशन संरक्षण का अभाव है संरक्षण का ज्ञान अज्ञात है संरक्षण से संरक्षण का अभाव बात समझ में आ गई होगी लैक ऑफ कंजर्वेशन ठीक है जी इतने सारे ढेरों ये डाउट आपके दूर हो गए होंगे यानी के सिंपल भाषा में मैं इस संरक्षण को क्या भी लिख सकता हूं इस संरक्षण को सिंपल भाषा में मैं लिखना चाहूं तो तो ये भी लिख सकता हूं कि बाह्य रूप बदलने से बाह्य रूप या सेप बाह्य रूप बदलने से बदलने से वस्तु की मात्रा या आयतन क्वांटिटी या वॉल्यूम वस्तु की मात्रा या आयतन में कोई बदलाव ना हो कोई बदलाव हो तो क्या कहलाएगा कंजर्वेशन कहलाएगा और बच्चे को पता नहीं चलता बच्चा सोचता है कि हो गया बदलाव बाहर से वस्तु बदली तो अंदर की भी मात्रा बदल गई है तो बच्चा सोचता है कि वो पचास पचास ग्राम की तीन बर्फियां डेढ़ सौ ग्राम बर्फी हो गई बच्चा ऐसा सोचता है ये नहीं पता कि पचास ग्राम की बर्फी के तीन टुकड़े करके सत्रह सत्रह ग्राम कर दी गए बच्चा सोचता नहीं नहीं पचास पचास ग्राम की तीन हो गई तो फिर वो क्या कहलाता है कंजर्वेशन कई बार सवाल इस प्रकार से भी दे देता है कि euh, एक मान लो वहां पे रुई का एग्जाम्पल देता है एक बच्चा दो किलो रुई में से तथा दो किलो लोहे में से दो किलो रुई को ज्यादा बताता है तो अरे पगलो वो चीज तो दोनों बराबर है दो किलो रुई में भी उतना ही वजन है दो किलो लोहे में भी लेकिन उसको यूं देख करके बच्चा कहता है दो किलो रुई की तरफ इशारा करता है दो किलो रुई ज्यादा है इस लोहे की बजाय तो बच्चा उसको समझ नहीं पा रहा उसको बाह्य रूप को देख करके वो तो फैल रहा है तो बच्चे में वहां समझो यदि रुई को ज्यादा बता रहा है तो संरक्षण का अभाव है दोनों को बराबर बता रहा है दो किलो लोहे और दो लोर रुई फिर इसका मतलब उसे कंजर्वेशन ऑफ नॉलेज इतनी बात क्लियर हो गई होगी आखिर कंजर्वेशन क्या होता है यस सर ये सारे थ्यूरीज में काम आएंगे कंसेप्ट और डायरेक्ट भी पूछ सकता है इससे आप क्या समझते हैं अगला है जी स्कीमा चलते हैं स्कीमा स्कीमा के ऊपर क्या है स्कीमा मैंने ये वाची है ज्ञान का अथवा यह एक ऐसी मानसिक संरचना है जिसका सामान्यकरण किया जा सके बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं बार बार बता भी चुका हूं स्कीमा एक प्रकार के साइनोनियम ऑफ नॉलेज है यानी ज्ञान का ही क्या है ज्ञान का ही पर्याय वाची अथवा ज्ञान का ही भंडार कराइए वही हमारी

ऐसा संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सके यानी व्यवहार का ऐसा संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सके स्कीम्स कहलाता है सर एग्जाम्पल जैसे कि एक गाड़ी को चलाने से पहले गाड़ी की खिड़की विंडो को खोलना उसमें चाबी डालना फिर उसकी पहला गेयर दूसरा गेयर तीसरा गेयर फिर धीरे धीरे रेस को थोड़ा सा बढ़ाना वो क्या कहलाएगा स्कीम्स कहलाएगा यानी व्यवहार का ऐसा संगठित पैटर्न है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न है बिहेवियर का जो क्या है एक सिक्वेंस में चलता है एक और में चलता है तो सिक्वेंस या ऑर्डर में चलता है तो वो स्कीम्स कहलाएगा जैसे कि मान लो आप कोचिंग सेंटर जाते हैं तो ऐसा नहीं सुबह सुबह छह बजे जाकर के के आप ये देख आएंगे कोचिंग सेंटर खुल गया क्या फिर मैं बजे तैयार होकर जाऊंगा या जाऊंगी नहीं यानी कि आपका एक व्यवहार का संगठित पैटर्न है मान लो नौ या दस बजे आप सुबह कोचिंग सेंटर जाते हो तो आपकी एक दिनचर्या है वो दिनचर्या आपका स्कीम्स है कि सुबह छह बजे उठे फिर फ्रेश हुए फिर नहाए धोए फिर खाना पीना खाया और फिर अपनी जो भी ड्रेस वगैरह पहनी वो पेन वगैरह सारा काम करके फिर आप कोचिंग सेंटर जाते हैं तो व्यवहार ऐसा संगठित पैटर्न जिसे आसानी से डेली वेज में आप दोहराते हैं वो आपका स्कीम्स कहलाता है इतनी बात क्लियर हो गई होगी आगे बढ़ते हैं जी संज्ञानात्मक संरचना क्षमताओं के, के, के को हाँ, को कोग्नेटिव स्ट्रक्चर क्या है द मेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन वर्ड भी बताया था आपको युद्ध शुरू में ही द मेंटल ऑर्गेनाइजेशन और सेट ऑफ मेंटल एबिलिटीज ऑफ द चाइल्ड इज कॉल्ड कोग्नेटिव स्ट्रक्चर यानी कि संज्ञानात्मक संरचना बालक के उन

निपटने के लिए उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए जो प्रोसेस आप अपनाओगे जो थिंकिंग करोगे वही आपका क्या कहलाएगा मानसिक संक्रिया मेंटल ऑपरेशन कहलाएगा कि अब मैं क्या करूं कि पापा के पांव मसलूं कि छाती को पंपिंग करूं कि क्या करूं या क्या ना करूं तो वो मानसिक संक्रिया जो चिंतन किया समस्या को समाधान करने के लिए किया गया चिंतन ही मानसिक संक्रिया अथवा मेंटल ऑपरेशन कहलाया इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी मुझे उम्मीद है कि ये वाले कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंसेप्ट को देखेंगे ठीक है जी इस क्लास में इतना ही ओके टेक केयर बाय बाय थैंक यू